इतिहास गवाह है, जिसने भी न्याय के लिए आवाज उठाई साला उसी के साथ अन्याय हुआ है। राजनीति का आरंभ प्रजा के सुकून के लिए हुआ था, पर इसी के कारण न जाने कितने बेकसूरों का खून भी बहा। हेलो, हाँ भैया जी, हम पारस बोल रहे हैं। हाँ पारस, आप थोड़ा समय देते तो आपका बहुत कृपा होता। हाँ ठीक है, तुम वहीं पर रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम काम देख लो, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। हाँ भैया जी, खुश रहो, बोलो क्या बात है जी। मेरी बेटी का शादी है, टाइम नज़दीक आ चुका। मैं हूँ ना, लो ये पैसा, अपनी बेटी का शादी करो। समाज में करप्शन बढ़ चुका है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है। आप सभी को मालूम है वो कौन है। अमर चौधरी समाज के नजरों में मसीहा बन चुका था, और ये बात बाबर और रोनी अच्छी तरह से जान चुके थे। फिर कुछ दिन बाद जब वो रणधीर सिंह से मिलने पहुंचे, अमर चौधरी का अच्छाई आप पे भारी पड़ रहा है। लगता है इस बार इलेक्शन वही जीतेगा। आप बोलो तो उसका काम खत्म कर दें। इस बार आपको इलेक्शन जीतने हैं तो हमसे हाथ मिला लो, क्योंकि जीतने का उपाय हमारे हाथ में है। रणधीर सिंह के एक इशारे पर जान देने वाले बाबर रोनी अमर चौधरी के दरवाजे पर उसका काम खत्म करने पहुंचे। हाँ, कौन? पिताजी है। हाँ है। पिताजी को आया है। प्रणाम भैया जी। आपके पंख ज्यादा ही खुल गए हैं। अपना काम खत्म करने के बाद सीधे ये बात रणधीर सिंह तक पहुंचा है, और फिर रणधीर सिंह का अगला प्लान एके।
रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा खत्म होने के बाद उसने साम दाम दंड भेद सारे सूत्र अपनाए, जो नशे के आदि हो गए उन्हें अपनी तरफ। और जो पैसों के लालच रखते थे उन्हें दौलत से खरीद लिया। और इस तरह उसने इलेक्शन को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। जीत की खुशी मुबारक हो आपको बाबा। ये जीत तो आप लोग की बदौलत है। अमर चौधरी को मारने के बाद एक एक का ड्रग्स वाला प्लान पूरा काम कर गया। आप गांव के अनपढ़ लोगों में ड्रग्स बांट रहे हैं, मैं ये बात पुलिस तक पहुंचा दूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? लगता है तुमने गलत सुन लिया है। पहले तुम मुझसे मिलो, फिर कुछ कहना। ठीक है, मिलते हैं। क्या बाबा, आप भी सुबह सुबह। अवकाश से ज्यादा बोल रहा था माधर चो। बाबर, रोनी कहाँ है? रोनी किसी काम में व्यस्त है। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम चले आए। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन जी पाऊंगा। मेरा जितना भी व्यापार और संपत्ति है मैं तुम दोनों में बांट रहा हूँ। इस पर मैंने दस्तखत कर दिया है, तुम और रोनी आपस में बांट लेना। बाबर चुप, जितना बोला जाए उतना करो वरना यहीं सुला दिए जाओगे। यहां शांति से दस्तखत कीजिए। जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। करोगे कि खोपड़ी खोले? इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रणधीर सिंह का देहांत हो गया है। सूत्रों से और उनके कहने के अनुसार ये माना गया है कि उनके जगह जमीन और व्यापार बाबर और रोनी में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। ए वकील साहब, एक मिनट।
पढ़ने आता है ना, जरा पढ़िए इसको। मैं रणधीर सिंह अपनी जगह जमीन और संपत्ति सब कुछ बाबर के नाम करता हूँ। बाबर मेरे साथ धोखा। रोनी, उधर बाबर के गैंग वाले किसी को मार रहे हैं। अगर ये बात बाबर को मालूम चल गई तो तू जानता नहीं है तेरा क्या हाल होगा। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया। कौन है तू? भैया मैं बाहर से यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, मेरा कोई नहीं है भैया। जानता है वो कौन लोग हैं? नहीं, वो बाबर के लोग। तू चला जा यहाँ से, तू इस शहर में महफूज नहीं है। जब बाबर ने रोनी के साथ धोखा किया तो एके ने रोनी के साथ वो व्यापार शुरू किया जो वो रणधीर सिंह के साथ करता था। अब रोनी के पास खुद की भी एक गैंग थी। रख लो बे इसको अपने साथ।